मैं मर गया। ना 3 साल तू जड़ी ना इंसाफी हो रही है और जो बदरी यार महकमा माल या बदरी यार पुलिस किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला असि जिसले कठे हैं साढ़े ना कोई जुलम करने की जरूरत नहीं करेगा। तो मैं तुहाडा खादम पहला बाद किसी जमात का मैं कारकुना या मैं कोहदे का पहला मेरा कोटला मेरे लोग मेरे बाप की वो सोच जिदे वास्ते कला खड़ा होया और उन्हें जुल्म का मुकाबला किया। उस तो बाद मेरे भरा ने मेरा सारा खानदानी कर रहा। मैं अज ना किसी जमात का कारकुन ते ना ही मैं किसी ना नाराज हाँ। मैं मुकम्मल तौर पर अपने इलाके लोगों के तहफात वास्ते अपनी जमात नू ते पीटीआई की क्यादत नू ये मैसेज देना चाहना कि कोटला हरबली खान ते ए जुलम और जो जबर हो रहा है इनू खत्म किया जाए वरना इतने वही होना है जो अफगानिस्तान होया इंशाल्लाह। देखें जी ये 3 साल हो गए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि क्यादत को भी बताएं बतादर भी रहे हैं लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि जो एक ऐसा जो जाता है दूसरा उससे बढ़ के आता है। यहाँ पे कब्जा ग्रुप का जो है वो ही बोलबाल है और थाना कल्चर ऐसा ख़राब हो चुका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनसे बचाए। अभी तो हम एक पूरा मन इत्तेजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान को पता चले कि ये जो डाकू हैं या लुटेरे हैं ये ऊपरी सतह पे नहीं है नीचे सतह पे ज़्यादा हैं कि हम आवाम जो है वो निचली सतह पे रहते हैं। तो यहाँ जो अभी आया हुआ है जो SHO इसका काम है रात 2 बजे गश्त करनी और कब्ज़ा कराना और लोगों से आप देख सकते हैं हल्के में घूम के देख लें कि क्या हालात बने हुए हैं। मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है परवेज लाई साहब को मिलने की और उन्हें बताने की कि ये हालात है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने ये फाइनल फैसला कर लिया है कि हम अपने हल्के की आवाम के लिए रोड पर आ गए और इस जो इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है ये आप भी जानते हैं जो मीडिया पर्सन है यहाँ पे और ये आवाम से पूछ लें कि इन लोगों ने वो ना जैसे दुकानों पे रेट लगा हुआ है ऐसे ही इधर थानों में रेट लगा हुआ है तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए हम इकट्ठे हैं इत्तेजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि DPO गुजरात जो है इसको देखें और RPO भी देखें और IG भी देखें और ये जो वर्दी में ये जो लुटेरे आगे हुए हैं इनसे हमारी जान छुड़वाएं और यहाँ पे कोई अच्छे अफसरान लगाएं जो आवाम को तफस दे। बस इतना ही हमारा मतलब है। तो सर ये बताएं कि आज जो थाना कल्चर है तब्दील नहीं हो रहा इसके पीछे कौन सा माफिया मौजूद है? जारी गल है माफिया तो हमारे सियासतदान ही और कौन है। अभी ये तो नहीं हम कह सकते सिर्फ पुलिस ही है इसमें ये बड़े सियासतदान मौजूद हैं उनकी मर्जी से ट्रांसफरें होती हैं। तो हम तो बेबस होकर ये बात कर रहे हैं बार बार कहने के बावजूद। जो लोग आपके पास आते हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्जा हो गया है तो आप उनके साथ कैसे साथ दे रहे हैं इसको? देखिए जी हम तो ये करते हैं कि पंचायत करते हैं उसमें उस गांव के लोग होते हैं फिर एक फैसला होता है फिर उसमें से जो लोग जो गरीब आदमी वो दब जाता है इसलिए कि वो थाने चला जाता है और जब वो थाने चला जाता है तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि ये कोटला और बली खाए यहाँ से एक भाई मेरा MNA है एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो नून लीग में इसलिए उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं क्योंकि जो मुस्लिम लीग काफ वजा साहब के साथ हूँ तो मैंने उन्हें इस लास्ट दफ़ा भी मिला हूँ तो अपने मामला दिखाए हैं एक बार मैं लाहौर भी मिला हूँ बताया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो थोड़ा सा है ज़रा इंशाल्लाह अगर इसका हल ना हुआ तो हम सारी रोडें ब्लॉक कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये हमारी जान नहीं छूटेगी इन लोगों से। आज का जो एहतजाज है आपका ये कितनी देर तक होगा और अभी देखते हैं जो इंतजामिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंतजामिया को हमने क्या मैसेज देना दे के थक गए हैं अभी DPO साहब को बताते हैं अभी आवाम निकल आइए देखते हैं। सरपस्ती में जबरदस्त एहतजाज कर रहे हैं पुलिस थाना ककराली के खिलाफ कि पुलिस थाना ककराली जो है वो कब्जा माफिया का साथ दे रही है और आवाम को सहूलत नहीं दी जा रही इस हवाले से जानते हैं जो शहद रजा से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ये वाजिया करदा कि तकरीबन 1.5 साल तो थाना ककराली ठेके दिता जा रहा है
सिर्फ एक एस एच ओ एस आया दरमियान दे विच जिहदी वजह नाल लोकां दा इतमाद बहाल होया थाना कराली उत्ते। इस तों पहला एस एच ओ ओहदा मौजूदा एस एच ओ साहब बिल्कुल गुंडागर्दी दी इंतहा हो गई। मैं अगर कोई आला अफसरान आर पी ओ लैवल दे अफसरान अगर मैनू किरे बुलाण जां इत्थे आवाम दे विच आ जाण मैं रिकॉर्ड के नाल तमाम चीज़ा पेश कर दाँगा, सबूत के नाल पेश कर दा। लेकिन अगर मैं एस एच ओ या डी एस पी या और कोई अफसर कह तो मैं नहीं पेश करा। जिन्हें लोगों को कितने कितने पैसे लैन हुए ने हर चीज़ तो वाकफ हाँ सी, लेकिन अ समझने कि साडा असी तकी राजा साहब न तकरीबन 5 to 6 months तो देख रहे हैं और थाने दे विच साड़ी कोई अपना किसी भी तरह की इनवॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अफसोस के एक पढ़िया लिखा और बड़ा अच्छा अफसर सी, पता नहीं की होया इनू कि अफसोस होंदा सानू पिया कि 6 to 7 months तो थाने करा ली जरमलार बना ली इस बंदे और मैनू कोई समझ नहीं आ रही कि डी पी ओ साहब क्यों खामोश ने और आर पी ओ साहब क्यों खामोश ने, कि वजह है तमाम मसाइल की सानू कोई समझ नहीं आ रही। अब जिस वास्ते ही मैं एस एच ओ साहब नाल गल करन जा रहा और तमाम लोग मेरे नाल ने, इंशाल्लाह अगर साड़ी गल डी पी ओ साहब या आला अफसरान ने सुन ली तो ठीक है, ना सुनी तो फिर अन करीब वो इतजाज करांगे इंशाल्लाह, याद रखेंगे पूरी उम्र। तो सर ये बताएं कि आप पाकिस्तान में काफ के रहनुमा हैं जबकि गवर्नमेंट जो है वो भी पाकिस्तान तरीके साफ की आप उनके तादी भी हैं, तो इसके बावजूद 29 सतह के ऊपर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है मैं किसी जमात या किसी भी पी टी आई काफ नून किसी भी जमात की नुमाइंदगी अभी नहीं कर रहा। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने थाना कराली की आवाम की, वो किसी भी जमात से तल्लक है उसका, मुझ मेरा ये लोगों के साथ तल्लक मेरे वालद से लेकर अभी तक तल्लक है हमारा। हम समझते हैं ये पार्टियाँ बाधे बनी हैं, हमारे वालद का तल्लक इन लोगों के वालदों के साथ था, हमारी दूसरी नसल से तल्लक है हमारा जो के साथ, ये कोई पार्टी नहीं हमारी इनके साथ। इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदा के लिए काम करें, जो आपको समझ आती है उसके मुताबिक काम करें, हमें कोई इतराज नहीं, हम पुलिस काम में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम चुप करके तमाशा ही बने रहे थे। तो सब ये बताएं कि जब पुलिस थाने के ग्राड़ी में लोगों की सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद लोग आपके पास आते हैं या जो नईम रजा साहब के पास आते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आप उनकी कैसे दादरसी करेंगे? मैं ये इसलिए दादरसी का हमारे पास सियासी बंदों के पास एक ही हल होता है, वो होती है रोड। लेकिन मैंने किसी अफसर को कहा कि मैं रोड ब्लॉक नहीं करूँगा और इंशाल्लाह नहीं करूँगा, बात करूँगा एस एच ओ साहब के साथ जाके बैठ के कि जनाब ये हमारे मसाइल हैं, अगर आप हमारे मसाइल सुन लें तो ठीक है, अगर अमल कर ले तब भी ठीक है, अगर आप कहें कि हमें आप टाल मटोल करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा अभी इंशाल्लाह ताला थाना कराली में। तो थाना कराली में जो कब्जा माफिया दिन ब दिन मुतारक हो रहा है, इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे हुकूमत को? नहीं नहीं यार, ये थाना कराली कहीं कब्जा माफिया वगैरह कोई नहीं है जी, ये थाना कराली में कब्जा माफिया क्या होना है, ये वर्दी कब्जा माफिया है, इसलिए हमें मसला बना हुआ है। हम वर्दी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं वर्दी की, अगर ये कोई सिविल बंदा होता तो हम देखते कैसे एक ईंट भी लगा सकता है यार इधर, हमें प्रॉब्लम है ये वर्दी की। अगर किसी को इतना शौक है कपड़े खपड़े करने का तो हम तो कहते हैं वर्दी उतारो इधर आ जाओ, डेरे काफ़ी बने हुए, यहाँ भी डेरा बना लो इधर आके, हमें किसी की तरह का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी आवाम के साथ लेना देना है बस, हमारा दूसरा कोई मंशूर नहीं, ये बात हम वाजिया कर रहे हैं। इसके साथ मेरी दूसरी कोई राय नहीं है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं, जब हमारे अलकान ने 71 की बात आती है तो फिर इनके साथ हमारा नस्ल दर नस्ल तल्लक चल रहा है, हम नस्ल दर नस्ल ही से तल्लक दबा रहे हैं, अगर किसी के साथ जाती होगी तो हम उसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह।
पिछले 1.5 साल से सुनने में आ रहे हैं कि पुलिस थाना ककराली ने अपने अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं, तफ्तीशी का रेट अलग है, SHO का अलग है, इस हवाले से आप क्या कहें कि लोग आपके पास आते हैं, क्या शिकायत? काफ़ी शिकायत है इसके हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं सूरत हाल को, आज बात करेंगे इंशाल्लाह, टाइम आएगा DPO साहब से भी बात करेंगे, RP साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह।